कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, फायर ब्रांड नेता, कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो हमेशा से मोदी सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, सवाल पूछ भी रहे हैं, और क्या वो नेता अब बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं? क्या उनके सवालों से आज मोदी सरकार डरी हुई है? उनके सवालों से क्या भाजपा डरी हुई है? जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो नेता कोई और नहीं बल्कि कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार जो शुरू से देश के मुद्दों को उठाते रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं, जनता के साथ खड़े रहे हैं, और सरकार से देखिए कई बार तो डिबेट हमने देखी जिसमें संबित पात्रा और कन्हैया कुमार की, उस डिबेट को काफ़ी पसंद भी किया जाता है, और जिसमें कई सवाल कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से पूछे, उनके प्रवक्ता संबित पात्रा से भी पूछे, लेकिन वो जवाब देते नहीं, उनसे बन पा रहा था। तो ऐसे में अपने दर्शकों को बताऊं कि कुछ सवाल हाल ही में कन्हैया कुमार ने पूछे थे, उन सवाल का जवाब सरकार के पास तो नहीं था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के इन्हीं सवालों को देखकर आज घबराती नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो क्या कन्हैया कुमार जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से, क्या इसका सवाल का जवाब अगर सरकार के पास नहीं है तो क्या माना जाए कि वाकई कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे जनता के दिलों में जगह बनाती चली जा रही है, और खुद कन्हैया कुमार भी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा रोल अब निभाने में बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो है नियुक्त करने का मन बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में आज मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कन्हैया कुमार से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट कि कैसे कन्हैया कुमार ने शुरू से कांग्रेस तक का सफ़र तय किया, जेएनयू से कांग्रेस तक का सफ़र कैसे रहा, कितने कितने हालातों को, किस तरीके की मुश्किलों को उन्होंने जिया है, और कैसे अब वो देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, और जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के एक गांव में हुआ। यह गांव तेघरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां सीपीआई को काफ़ी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया कुमार के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है, वे काफ़ी सालों से बिस्तर पर ही रहते हैं। कन्हैया कुमार की माता मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वहीं उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कन्हैया की पढ़ाई बरौनी के आरकेसी हाई स्कूल में हुई। यह इलाका इंडस्ट्री से भरा हुआ है। अपने स्कूल के दिनों में कन्हैया अभिनय में यानी कि एक्टिंग में काफ़ी रुचि रखते थे। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी थे। 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनके छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। कन्हैया कुमार वैसे शुरू से ही एक्टिव थे और देखा जाए तो उन्हें राजनीति का काफ़ी शौक था। यही वजह है कि कन्हैया कुमार ने कॉलेज के वक्त से ही कई बड़े मुद्दों को उठाया। मुद्दों को उठाने के साथ ही साथ कन्हैया कुमार ने सीधे सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। कन्हैया कुमार जब जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे तो इस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया। पटना से ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज़ के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया था। 2015 में कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ऐसे पहले सदस्य बने जो जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। उन्होंने इस पद के लिए AIIS, ABVP, ASFI और NSUI के सदस्यों को हराया। कन्हैया कुमार के दोस्त और अन्य लोग उन्हें बेहतरीन वक्ता बताते हैं। उनके चुनाव के एक दिन पहले दी गई उनकी स्पीच उनके चुनाव जीतने का कारण मानी भी जाती है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में आए काफ़ी वक्त हो चुका है। पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही है। अपने दर्शकों को बता दें कन्हैया कुमार आने वाले वक्त में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, तो मैं अपने दर्शकों को ये बता ही चुका हूँ कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन क्या वाकई कन्हैया कुमार के जो सवाल हैं वो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? हालांकि विपक्षी पार्टियों पर लगातार सीबीआई का, ईडी का, एनसीबी का छापा पड़ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगला नंबर कन्हैया कुमार का भी हो? हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमें चाहे गिरफ्तार कर लो, चाहे जेल भेज दो, लेकिन हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों पर बात करते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।